हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है। और आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि मार्केट जब एक पैटर्न में चलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद में हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो मार्केट एक हाई बनाया था, उसके बाद में धीरे से यहाँ पे लो बनाया है, ठीक है। लो बनाने के बाद फिर थोड़ा सा उससे मतलब पहले वाले से थोड़ा सा कम हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया, लो थोड़ा सा ज़्यादा बना रहा है, उसके बाद में आप देखो फिर थोड़ा सा कम यहाँ पे हाई बनाया, मतलब एक जगह पे आ रहा है मार्केट और वहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन जितना पहले हाई गया था उससे बहुत ही कम ऊपर जा रहा है, ठीक है। और लो जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये 5 मिनट का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे लगभग आधे घंटे एक घंटे तक मार्केट ना एक ही जगह पे मूव कर रहा था, कोई खास ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट जो है मार्केट में हो नहीं रही थी। तो हमको यहाँ पे सिंपली ट्रेड नहीं करना होता है, एक ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करना होता है, और जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तब उसके बाद में हमको ट्रेड लेना होता है, चाहे वो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, एक कन्फर्मेशन कैंडल हमको मिला और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे ऊपर ही गया है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको मार्केट के ऊपर में। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो आपको पीसी में ट्रेंड लाइन यानी कि कंप्यूटर में ट्रेंड लाइन बना के दे देते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन में कैसे ट्रेंड लाइन बनाना है आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक छोटा सा बनाया हुआ है आप सभी को बताने के लिए, तो यही ट्रेंड लाइन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को पहले क्लियर कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्लियर प्रेफरेंस पे क्लिक किया, ओके किया, और यहाँ पे सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वापस से मैं चार्ट को कर दूंगा यहाँ पे 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट पे हमारा चार्ट हो गया और थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे नीचे करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन जो है वो बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्लिक करना है ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे, ठीक है। आप अपना चार्ट जब ओपन करोगे तो इस तरह का सेटिंग वाला ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, इस तरह से पेंसिल का एक आइकन दिखेगा, ठीक। तो पेंसिल वाले आइकन पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेंसिल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टूल्स का आइकन देखने को मिलेगा सेलेक्ट टूल करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट टूल पे क्लिक कर लेता हूँ और जैसे ही सेलेक्ट टूल पे क्लिक करूंगा थोड़ा हमको इस तरह से नीचे जाना है और नीचे में आप यहाँ पे देखो एक सेगमेंट करके दिखाई दे रहा है, ये रहा सेगमेंट, ठीक है। तो ये सेगमेंट पे हमको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम सेगमेंट पे क्लिक करेंगे ना, हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये प्लस वाले आइकन पे जाओ और यहाँ पे आपका जो ये एरो है, जिस भी पॉइंट से मार्केट बार बार बैक ले रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट से लेकर के हमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक बार टैप करूँगा और टैप करके इसको इस तरह से खींचूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और उसको आप जितना लंबा चाहो उतना लंबा यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे एक बार और वापस से टैप करोगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब सेम आपको ऊपर में भी करना है, ठीक है। तो ऊपर में भी यहाँ पे लेकर के आऊँगा एरो को, जो पॉइंट पे हमको रखना है वो पॉइंट पे यहाँ एक बार टैप किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 2 ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मार्केट इतने के बीच में ही मूव कर रहा है। अब या तो आइदर साइड मार्केट अगर नीचे जाता है ये ट्रेंड लाइन के तो हमारा मार्केट सिंपली नीचे जाएगा, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है मतलब कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाता है ना, तो यहाँ से हमारा मार्केट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अब आपको मैं यहाँ पे सिंपली एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है ना, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और ऊपर 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 जाते गया है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट एक साइडवेज हो जाए यानी कि मार्केट जब एक ही जगह पे घूमने लगे बार बार 100-150 पॉइंट के अंदर में, तो ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रेड लेने में। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, एक कन्फर्मेशन कैंडल आपको मिल जाए ऊपर का, तो आप ऊपर का ट्रेंड मतलब ट्रेड लेकर के यानी कि कॉल लेकर के आराम से बैठ सकते हो और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। कोई भी ट्रेंड लाइन अगर गलती से आप ड्रॉ कर दियो तो उस पर सिंपली यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। एक बार रुको, यहाँ पे मैं आपको वापस से बता दे रहा हूँ। अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन हमारा गलती से ड्रॉ हुआ तो यहाँ पे बस जाना है एरो को लेकर के और डिलीट पे क्लिक करना है। वैसे ही यहाँ पे गया मैं, डिलीट पे क्लिक किया, वैसे ही यहाँ पे गया, डिलीट पे क्लिक किया, और ड्रॉ किस तरह से करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रेंड लाइन से रिलेटेड किस तरह से आपको मोबाइल फोन में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है मैंने बताया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको कॉल और पुट देता हूँ मार्केट से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगा और अच्छे अच्छे आप इनकम जो है यहाँ से कर पाओगे। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।